हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं, बारीकी से क्वेश्चंस को सीखते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब जो है बहरहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जिक्र करेंगे, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक रिटेल मार्केट है, फूड वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैट इन पैकिंग जो है बॉक्सेस। इसके आगे ये कहा गया कि दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज एंड द फॉलोइंग वाज द जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो आपके 50 से 52, उस नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है 15 है। कुछ ऐसे बॉक्स है जिसमें 50 से 52 मैंगोज को रखा गया है, कुछ ऐसे जिसमें 53 से 55 को रखा गया 110 है, कुछ ऐसे हैं जो 56 से 58 है 135 दिया गया है, और कुछ ऐसे मतलब उसमें 115 ऐसे बॉक्सेज हैं। इसके बाद अलग अलग मतलब बेसिकली डेटा गिवन है, अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस हैं और उसमें अलग अलग प्रकार से मतलब उनकी संख्या भी बॉक्सेस की क्या है डिफरेंट है। आगे एक आगे फाइंड द मेन नंबर ऑफ जो मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मेन डिड यू चूज। आप मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेन को ऑब्टेन करने के लिए आप किस मैथड का इस्तेमाल करेंगे वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो बातें सर कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा सर। ये तो था क्वेश्चन, अब इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं ध्यान से, बस आपको मैं कहूंगा समझना मिलेगा। इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये टेबल है, इसका चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सर। चार्ट प्रिपरेशन देखिए, इसका अच्छे से समझिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मैंगोज आप राइट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ जो मैंगोज आपके पास गिवेन है सर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कितना है सर, 50 से 52 है। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 53 से 55 है, 56 से आपका 58 है, और 59 से 61 है, और इसके बाद जो है 62 से कितना हो गया सर जी, 56 से आपने 58 बनाया, 59 से 61, एंड लास्ट में 62 से 64 है। इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको गिवन है सर जी, आपको राइट डाउन कर लेंगे मेरे भाई को, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिया गया सर 15 है, और ये 110 है, इसके बाद 135 है, और इसके बाद 115 है, और इसके बाद क्या सर 25 है। अब यहाँ पे जो सर जी आप क्लास मार्क्स पहले फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क्स को आप एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्स आई राइट डाउन करेंगे सर जी। ये आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, आगे बस समझ में। अब यहाँ पे एक्स आई आपको गिवन है, चलिए सर देखिए इनमें गैपिंग आप देखिए, क्लास विड्थ या क्लास साइज आप देखिए, तो इनमें 2 का गैप आ रहा है सर, 52 से 50 के बीच में गैपिंग कितने सर 2 का गैप है। आप 55 से 53 का, तो मतलब गैपिंग कितने 2 का है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं एक्स आई की तरफ, 50 और 52 को आपस में ऐड कर लिए तो 102 हो गया, 102 का हाफ कर दिए तो कितना आ गया आपके पास 51 आएगा सर, क्लियर हो गया। तो और 50 और 52 का एवरेज जो मार्क्स है वो कितना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन क्या करेंगे सर 2 कर देंगे। तो जब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन 2 कर देते हैं, तो लोअर लिमिट आपका 50 है, अपर लिमिट आपका 52 है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दैट कैन ऑब्टेन क्लास मार्क्स ऑफ दैट इंटरवल। ओके, अब इस तरीके से जो है आपका बेसिकली 53 से 55 है 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ध्यान से समझना इस चीज को, आपको बहुत बारीकी से है। 53 से 55 आपके पास है सर, यहाँ पे ऐड करें, ध्यान से समझिएगा सर जी। तो इसमें आपका रेगुलर नहीं है, तो इसके अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। देखिए 50 आपको 108 हो गया, तो इसमें कितने का गैप आ गया सर 54 हो गया सर, कितना हो गया सर जी 54 हो गया। 53 से 55 आपने किया तो 5 में से 3 गया, कि अब देखिए 5 ध्यान से समझिएगा सर, 55 53, 50 हो गया, 108 हो गया, 108 का हाफ कितना होता है 54 होता है। अगला देखिए सर जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे, 50 हो गया, 68 114 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 57 आ गया सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपने किया 65 कितना हो गया 11 हो गया, 9 110 160 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 60 आ गया। लास्ट वन आप करेंगे तो देखिए 126 आ रहा, दैट मींस 63 आ गया। तो ये सर आपने क्या क्या फाइंड आउट किया सर, ये क्लास मार्क्स फाइंड आउट किया। अब देखिए सर डेटा क्या सर, लार्ज है, डेटा कैसा है लार्ज है। अब डेटा जब लार्ज है सर जी, तो उस पर्टिकुलर केस में बात ही सर क्या करेंगे हम,
हम कुछ भैया यही करेंगे कि बेसिकली हम डेटा को छोटा करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड का, क्योंकि उसमें डेटा बहुत ही छोटा हो जाता है और कैलकुलेशन करने में बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो हमेशा आप भी चाहोगे सर जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े वही हमारे लिए क्या होगा बेस्ट होगा, तो हमेशा बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करिए, ज़्यादा मजा आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप अभी यहाँ पे देखिए सर 1 2 3 4 5 जो सेंटर्ड वैल्यू से आप ए टेक करेंगे, ए क्लियर हो गया। अब इस पर्टिकुलर का मीन आपने ऐसे मान लिया सेंटर वैल्यू, ठीक है ए। अब यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करेंगे तो एक्स आई माइनस क्या होगा सर ए हो जाएगा, क्लियर। एक्स आई माइनस ए करेंगे तो 51 में से 57 जाएगा तो कितना आएगा सर माइनस 6 आएगा, 54 में से 57 जाएगा तो माइनस 3 आएगा ना सर, अब 57 से 57 जाएगा तो 0 है, अब जस्ट उल्टा 60 में से 57 गया तो 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सर 6 आ गया, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद सर जिसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो एफ आई क्या करेंगे सर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी अब आप यहाँ पे क्या करेंगे यू आई फाइंड आउट करेंगे, यू आई कुछ और नहीं होता बल्कि डी आई अपन एच होता है, क्लास साइज होता है। डी आई आपके पास क्या सर एक्स आई माइनस ए है तो दैट मीन्स ये आपको गिवन है सर, एच मतलब क्लास साइज होता है, सभी में गैपिंग आपने देखा सर 2 का गैप आ रहा तो क्लास साइज कितना हो गया सर 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को समझना होगा सर आपके पास, ध्यान दीजिएगा सर आपने यहाँ पे क्लास साइज की बात की है सर जी, तो क्लास साइज आप देखें ध्यान से तो क्लास साइज आपका इंटरवल के बीच में गैपिंग कितने का सर 3 का, आपका 3 है, ध्यान से समझना। वैसे यहाँ पे देखो तो क्लास साइज आपको यहाँ से मिलता है या नहीं, तो इसको आप क्या करो सर जी यहाँ पे आपने ये चीज क्या कर लिया सर फाइंड आउट कर लिया, तो इस तरीके से जो है आपको फ्रैक्शन बन जाएगा सर, फ्रैक्शन जब बन जाए तो उस केस में क्या करो सर जी आप यहाँ पे अज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल करो, किसका इस्तेमाल करोगी अज्यूमिंग मेथड का, तो एफ आई डी आई कर दीजिए डोंट टेक टेंशन, बोलो क्लियर हो गया सर जी, इस पोर्शन को क्या करें हटा दें, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं बनने देना है आपको, क्लियर है, बोलो आया समझ में। तो इस तरीके से जो है क्लास साइज से आपका देखा तो यहाँ पे 2-2 का गैप आ रहा, लेकिन ये सर फ्रैक्शन में जा रहा था तो मैंने कहा मेरे भैया बच के चलना है, अब बच के चलना है तो इस वजह से क्या करना डायरेक्ट अज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए सर देखिएगा अब यहाँ पे अज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल किया एफ आई डी आई करिए तो 15 × -6 या फिर कितना आ गया सर जी -90 आ गया, 100 टेबल का 3 बार पढ़ेंगे तो 330 हो जाएगा सर, हो गया ये 300 313 313 135 का टेबल 0 बार पढ़ा तो 0 हो गया, 115 का टेबल अगेन आपने 3 बार पढ़ा तो 300 हो गया, 15 345 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आ गया। इसके बाद 25 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा भाई आपका 150 आ गया, बोलो क्लियर हो गया। अब ये माइनस वाले नंबर को आप ऐड कर लीजिए और प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें सर अज्यूमिंग मेथड, ओके। अब यहाँ पे माइनस 90 और माइनस ये 330 है तो उस तरीके से मेरे भैया लोग अब यहाँ पे देखिए ऐड कर लीजिए 0 0 0 हो गया सर जी और 39 कितना हो गया 12 हो गया, 31 कितना हो गया 4 हो गया, -420 आ गया सर, यहाँ पे ऐड करिए सर जी ये 5 हो गया सर जी और इसके बाद 54 कितना हो गया 9 हो गया सर, 31 कितना हो गया 4 हो गया, बोलो क्लियर है। तो 495 से 20 को क्या कर दीजिए 495 में से 420 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे सर क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक क्या है नेगेटिव में, भाई 0 को ऐड करो कैसे करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरीके से ये 5 हो गया सर, 9 में से 2 गया 75 आ गया, तो समेशन एफ आई डी आई आपके पास क्या आ गया सर जी 75 आ गया, बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्लियर। यहाँ पे जरा देखिए समेशन क्या है सर जी एफ आई आप फाइंड आउट करेंगे तो समेशन एफ आई जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 15 हो गया 110 आप सभी को ऐड कर लीजिए सर जी, देखिए कितना आ रहा है सर 5 हो गया 55 कितना हो गया 10 हो गया, 10 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 5 कितना हो गया सर 20 हो गया, 0 हो गया सर, 1 1 2 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया सर। इसके बाद नेक्स्ट अगेन सर 1 1 1 2 हो गया 1 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया सर जी 3 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, बोलो क्लियर है या नहीं। एक बार अगेन रिपीट कर लीजिए सर, देख लीजिए पहले आपका 5 हो गया, 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 4 बार 5 है तो 10 20 आ गया, 0 लिख दिया सर। इसके बाद 1 है 1 1 2 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया सर 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और कैरी टू आया 10 हो गया, 1 कैरी आया। अब यहाँ देखिए 1 1 1 तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 और 1 कैरी आया तो सर कितना हो गया 400 आपके पास आ गया, क्लियर है। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर x बार इक्वल टू फार्मूला, तो आपके पास सब कुछ आ गया तो a प्लस क्या होता है सर समेशन एफ आई डी आई अपन क्या होता है समेशन एफ आई होता है, a की वैल्यू सर आप यहां देखिए सर 57 राइट डाउन है तो आप 57 लिख लीजिए और इसके बाद प्लस में आप देखिए 75 बाई कितना सर 400 है, कितना है सर जी 75 बाई
400 है सर, सॉल्व करें इसको जरा। आपका यहाँ पे देखिए सर जी 4 आपके टेबल से आप इसको डिवाइड करें, मैं कहूँगा सर 4 के टेबल से करें, 100 एज इट इज रहने दीजिए, 400 जाइए आगे सर। अब 4 के टेबल से आप डिवाइड करेंगे, 4 बन जाए कितना हो गया, 4 हो गया सर जी। इसके बाद बचा कितना सर, इसके बाद बचा आपका 335, 4 एरिया कितना होता है 32 हो गया। अब बचा कितना सर जी, 3 बचा, क्लियर है, ध्यान से समझना सर इस चीज को, 4 एरिया कितना हो गया 32 हो गया, क्लियर। अब बचा 3 रिमाइंडर, तो 30 हो गया, 47 जो 25 हो गया, अब इसके बाद 28 हो गया, अब बचा रिमाइंडर 2, 45 जो 20, क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या गया 57 प्लस 18.75 डिवाइडेड बाय कितना आ गया सर 100 आ गया। तो इस तरीके से आप यहां पे देखिए डेसिमल है 100 से डिवाइड करेंगे, दो डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 57 प्लस 0.187 के आ गया सर 5 आ गया। ऐड कर लीजिए लाइक डेसिमल बनाएंगे तो वही सेम आएगा, तो 57.187 के आ गया सर 5 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, ये एक तरीके से सर, अब देखो राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करोगे सर, 57 पॉइंट क्या लिख दोगे, ये 7 है सर डिजिट, तो मतलब 5 से बड़ा है, तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो उस केस में प्रीसीडिंग नंबर में 1 का इंक्रीमेंट कर देते, तो 57.19 के आ गया, मैंगोज आपके पास बन करके आ गया सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये कौन सा मेथड था सर, ये एज्यूमिंग मेथड यूज किया, क्योंकि बेसिकली डेटा को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, एज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल किया है सर। इसने पूछा था कौन सा मेथड यूज करोगे, तो आप एज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं। एक ये भी आंसर लिखना है, नहीं तो एक नंबर यहां कट जाएगा सर। तो जो आपके पास बेसिकली मतलब कि मीन मैंगोज होंगे वो 57.19 मैंगोज आपके होंगे, बोलो आया सर समझ में आने, क्लियर है, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखोगे। ओके सर जी, यहां पे हमने स्टेप डिवीजन मेथड का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि क्लास साइज थोड़ा सा फ्रैक्शन में जा रहा था सर, अब फ्रैक्शन में जाने की वजह से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके सर जी, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग की, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आपको क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो आप जरूर मेरे भैया लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, देखा आपने, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, कहीं डाउट आएगा मैं बार बार कहूंगा सर, डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे मेरे भाई बहन, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से सीखते चलिए, समझते चलिए, कहीं पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस खास को इस चैनल पे जुड़ने के बाद बस आपको कायदे से पढ़ते रहना है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है सर 6 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम जिक्र करें तो ध्यान से देखिए सर, बहुत ही अच्छा मैंने कहा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से क्या है सर समझना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 6 ये कहता है कि द टेबल ब्लू शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन ए लोकेलिटी। अब आपसे ये कहा गया कि बेसिकली टेबल बिलो दिया गया, सो डेली एक्सपेंडिचर है फूड का 25 हाउसहोल्ड है, दैट मीन टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है सर टोटल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है सर, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप मैं कहूंगा सर आपका बेसिकली चार्ट बनाना शुरू कर दे, डेली एक्सपेंडिचर से, ठीक है ना भाई। तो डेली एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, आपने लिखा कॉस्ट में और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया गया सर जी, नंबर ऑफ क्या गिवन है सर हाउस होल्ड गिवन है, इस तरीके से आपने बना लिया सर, क्लियर हो गया। 100 से आपके पास कितना सर, 100 से आपके पास 150 है, दूसरा 150 से 200 है, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको दिया गया 200 से 250 आपको सर गिवन है, इसके बाद नेक्स्ट है 250 से 300 आपको इंटरवल दे रखा है सर जी, और लास्ट वन दे रखा 300 से 350, क्लियर है। 300 से क्या लिखा है 350 लिखा है। अब नंबर ऑफ हाउस होल्ड की बात की गई सर 4, 5, 12, 2, 2 है, तो 4 है, 5 है, 12 है, 2, 2 है, बोलो क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा सर, अब यहाँ भी आगे क्वेश्चन ने क्या कहा सर, क्वेश्चन ने ये कहा फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। आप सूटेबल मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सर, डेटा आप यहाँ ध्यान दीजिए, डेटा यदि आप ध्यान से देखिए तो इस केस में बेसिकली डेटा काफी बड़ा दिख रहा है। पहले तो हमारा काम क्या होगा सर, क्लास मार्क्स निकालना, तो हमें बेसिकली मीन निकालना डेली एक्सपेंडिचर का, कितना मीन आएगा ऑन एन एवरेज कितना आएगा वो हमें बेसिकली क्या करना है फाइंड आउट करना है सर, ओके। अब मेरे भाई आप यहाँ पे देखो डेटा पड़ा है, तो अभी बात करते हैं सर जी, पहले तो क्लास मार्क्स निकालेंगे यार, फटाक से ये काम करना, ठीक है ना। तो चलो भाई क्लास मार्क्स को एक्साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं सर, क्लियर। क्या होता है सर जी, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है सर अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन क्या करते हैं सर 2 कर देते हैं, क्या करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन 2 करते हैं, ओके सर। तो 100 प्लस 200 125 आ जाए, कितना आ गया सर जी 2, क्योंकि देखो 250 हो गया, अब 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 125 ही आएगा, बोलो क्लियर।
अब इसी तरीके से सर जी आप जरा गैपिंग देखिए सर जी, जहां से स्टार्ट हो रहा है तो 50-50 का सभी में क्या सर गैपिंग है, क्लास साइज कितना आ गया 50 का, तो ऐड कर दीजिए 50 175 225 अगेन आपका 275 और लास्ट वन कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा सर। बोलो क्लियर है यानी? अब आपको ये चीज चेक करना सही है या गलत है। देखो 3300 हो गया, 650 हो गया, 650 का आप डबल करोगे देखो सर ये आएगा ना हाफ, ठीक है 650 है उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 325 आएगा कि नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया सर जी फाइंड आउट कर लिया, बोलो क्लियर। अब इसके बाद सर जी यहाँ पे क्या सर जी फ्रीक्वेंट, अब क्या निकालना सर आपको डी आई निकालना सिखाना चल रहा हूँ सर जी, क्योंकि डेटा देखो सर यदि आप मल्टीप्लाई करो तो काफी बड़ा डेटा बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि सर जी हमेशा डेटा उनका इस्तेमाल करो जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन छोटा हो जाए, मल्टीप्लाइकेशन के बाद जो वैल्यू मिली वो बिल्कुल छोटा मिले। आई बस समझ में आने, चलो देखो जरा सर जी अब यहाँ पे देखिए 125 है, 70 काफी बड़ा नंबर है सर, 4 से करेंगे 125 को तो भाई आपका 400 मतलब 500 आएगा सर, तो अब ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो काफी हजार में चला जाएगा, इसलिए छोटा करते हैं सर। देखिए 1 2 3 4 5 सेंटर्ड वैल्यू ए है तो इसको ए मान लेंगे सर, क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद माइनस आपके यहाँ पे फार्मूला बना देंगे एक्स आई माइनस ई, क्लियर है सर। अब आपने एक्स आई माइनस ए कर दिया, आपको पता है कि सर 125 में से 225 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 100 आएगा, क्योंकि आपका बेसिकली क्या है 225 बड़ा है एज कम्पेयर टू 125। अब इसके बाद 175 से 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर माइनस कितना आएगा सर 50 आएगा, आएगा या नहीं देख लो सर, चेक कर लो, देख लो भाई जल्दी से, देख लिया बिल्कुल सही है, ओके सर। अब इस तरीके से अगेन आपका 225 से 225 आप यहां xi की जगह पुट कर रहे मेरे भाई, अब 275 में से a, a कितना 225 है तो कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा, लास्ट वाले पे कितना आ जाएगा सर 100 आएगा, देखो भैया क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्लास साइज हर जगह सेम है, यानी क्लास साइज सेम है सर जी, एक तो ये रेगुलर इंटरवल है, कैसा इंटरवल है सर जी रेगुलर इंटरवल है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके सर। तो रेगुलर इंटरवल होने की वजह से सर आपका यहाँ पे क्लास साइज कितना सर 50 का ग्राफ है सभी में, तो आप 50 देखो टेबल बन रहे कि नहीं, तो आप यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे एक्स आई माइनस ए अपान एच कर देंगे सर, बोलो क्लियर हो गया, काफी छोटा हो जाएगा सर। एच की वैल्यू कितनी है सर जी आपका 150 माइनस 100 कर दिया तो कितना आ गया सर 50 आ गया, बोलो क्लियर है मेरे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके सर। आप इस तरीके से जो है 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 2 आएगा, 50 को 50 से माइनस 1 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या गया, देखो कितना छोटा बेसिकली वैल्यू हो गया सर, देख रहे सर बिल्कुल सिंपल सा। ये समेशन fi यहां पे निकाल दीजिए तो समेशन fi आपको पता है कितना आएगा सर 25 आएगा, क्योंकि ये पहले ही बोला था 25 हाउस होल्ड है। देखिए 4 5 9 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, 2 कितना हो गया 15, 1 1 कितना हो गया 2, क्लियर। आगे सर जी अभी यहां जरा देखिए fi ui निकाल लेते हैं सर, क्या निकालते हैं सर अब तो सर इतना छोटा यार कैलकुलेशन हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है सर, एक चार्ट बनाने में कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, जोड़ने घटाने में क्या दिक्कत है, आई बस समझ में आ रही, ये चीज आपको ध्यान में थोड़ा रखना है, ओके। अब ये बेसिकली जो चलिए सर जोड़ लीजिए इनको फटाक से, समेशन fi ui की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप समेशन fi ui निकालेंगे, देखिए सर माइनस सेम साइन जोड़ लिए तो माइनस क्या आ गया सर 13 आ गया, इसके ये कितना गया माइनस 13, 42 कितना गया 6, अब देखो भैया माइनस 13 में से 6 गया तो कितना गया माइनस 7 है, देखो कितना छोटा डेटा आ गया, कितना गया सर जी माइनस 7 आ गया सर, बोलो क्लियर है यानी थोड़ा सा, क्योंकि भाई लो भैया लिख दिया नहीं नाराज हो गए ना भैया, भाई बोलो भाई। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया माइनस 7 आ गया, तो इस तरीके से फार्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन क्या होता है समेशन fi मल्टीप्लाई क्या होता है सर क्लास साइज से होता है, a की वैल्यू आपको दे रखी है सर 225 दे रखा है, प्लस लिखा सर माइनस 7 लिखा मेरे भाई, अपॉन में 25 कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया कितने से सर 50 से, बोलो क्लियर है, कितने से कर दिया 50 से कर दिया, क्लास साइज सर दे रखा 50, तो ये देखो 20 मल्टीपल है 25 बन जाए 25 टू जाए कितना आ गया सर 50 आ गया, क्लियर। अब इस तरीके से देखिए सर जी आपके पास जो क्लास साइज आ गया तो x बार बराबर कितना आ गया सर 225 हो गया सर, और ये प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, और इसके बाद 7 इनटू कितना हो गया 2 हो गया, तो 225 माइनस 7 टू जाए कितना हो गया सर 14 हो गया, 5 में से 4 गया कितना आ गया 1 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा सर जी 211 आ गया, x बार कितना आ गया सर 211,
बोलो आया समझ में आनी। तो इस तरीके से जो बेसिकली आपको बताया गया कि जो मेन डेली एक्सपेंडिचर होगा ऑन फूड का वेजिटेबल मेथड एक्स बार कितना होगा 211 होगा। कितना होगा सर जी 200 मेन डेली एक्सपेंडिचर बन करके आएगा। बोलो क्लियर हो गया। इतना आपका बेसिकली बनेगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड का जो मीन आपने फाइंड आउट किया है वो बेसिकली आपके पास आया। बोलो आया समझ में आने, कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई को। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या है सर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे भाई बहन जरूर लिखेंगे बिना संकोच किए हुए, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके सर ठीक, कहीं डाउट है देख लो एक बार दोबारा कैलकुलेशन में। ठीक, ये कौन सा मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड हमने इस्तेमाल किया था इस क्वेश्चन के अंदर। ओके तो यही तीन मेथड है सर जी, और फिर इसके बाद आगे देखेंगे मॉडल क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जो भाई बहन लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से एनसीईआरटी सीखने को मिल सके। और आफ्टर सम टाइम देन अगेन स्टार्ट फर्दर बेसिकली जो है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, 10 मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे मल्टीपल चॉइस की। ठीक है ना, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हर तरह का क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं चैप्टर वाइज। ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।